नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। टैलेंटेड इंडिया का एक खास सेगमेंट जैसे हम आप तक सिर्फ इसलिए पहुंचाते हैं ताकि देश के तमाम सारे मुद्दों पर हम चुटकियां ले सकें, थोड़ा हंस सकें, थोड़ा आपका और दूसरों का मनोरंजन कर सकें और इसके साथ ही साथ वो बात आप तक पहुंचा सकें जो बात समाज में फैलनी चाहिए या पहुंचनी चाहिए। लेकिन यदि मैं आज सब गोलमाल है कि इस एपिसोड की बात करूं तो आज बात कहने का और उसे प्रस्तुत करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मजाक के लहजे में या चुटकी लेते हुए ही कही जाए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का आलोचना करते हुए ही हम इस्तकबाल करें। लेकिन कभी कभी समाज में ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जो चीज़ें हो रही हैं आखिर उन्हें बदलें कैसे। कार्टून की जिम्मेदारी ये भी होती है कि समाज में जब कुछ गलत हो तो न सिर्फ उनके मजे ले, न सिर्फ उनकी चुटकी ले, बल्कि सिस्टम के मुंह पे अपने उस चित्र के जरिए एक जोरदार तमाचा भी मारे। बीता हफ्ता हमारे देश में कैसा गुजरा ये हम सभी जानते हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो हम फेल हो ही रहे थे, लेकिन अपनी बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी अब हम पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। दुनिया के कई सारे ऐसे देश जो बहुत छोटे हैं लेकिन बावजूद इसके वहाँ की बेटियाँ, वहाँ की महिलाएं खुद में सुरक्षित महसूस करती है। भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के सपने देखता है, जो इस एशिया महाद्वीप का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश कहलाता है, वहाँ जब हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं होती है तब हमें हंसी मजाक में इस मुद्दे को नहीं लेना चाहिए बल्कि गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। आज सब गोलमाले के इस एपिसोड में कुछ ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से ही हम बात करेंगे। उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप तक उस बात को पहुँचाना, उस संदेश को भेजना जिसके बाद समाज में बदलाव के लिए आप, हम और बाकी तमाम सारे जिम्मेदार एक हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड और सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज का कार्टून नंबर 1। लेकिन इस कार्टून के पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से शुतुरमुर्ग अपने आसपास खतरा देखकर खुद की गर्दन को रेत के अंदर डुबो लेता है, उसे लगता है कि शायद इससे खतरा टल जाएगा, लेकिन खतरा वहीं बरकरार रहता है। कभी कभी कई लोग, जिसमें कई सारे बुद्धिजीवी भी होते हैं, वो नींद नहीं आने पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में उजाला होता है। और ये कहा भी जाता है कि आंख बंद करने से दुनिया में अंधेरा नहीं होता। कुछ ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है। आज एक बयान भी पढ़ने को आया जिसमें रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि देश की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में कहां जाएगी। यदि सर्वाधिक दखल पीएमओ का रहा तो वही हालात बनेंगे जो इस कार्टून में हम दिखा रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ लगातार नीचे जा रही है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे भी ऊपर कर दिया, कैसे ये देखिए। कार्टून नंबर 2। जिस तरह से महंगाई का असर लगातार सभी दूर दिखाई दे रहा है, सरकार महंगाई पर कंट्रोल कर पाने में, उसे रोक पाने में कितनी कामयाब हुई है इसे आप अपने आस पड़ोस की छोटी मोटी सब्जी मंडी में जाकर आजमा सकते हैं। आप जब भी सब्जी मंडी में जाएंगे तो आप महंगी से महंगी सब्जी खरीद सकते हैं, आप अपने घर में रोजाना स्पेशल डिश बना सकते हैं, लेकिन प्याज को खरीदने में आपके पसीने छूट जाएंगे। वहीं जब आप दुकानदार से समोसा, कचौरी या कोई भी एक ऐसा फास्ट फूड लेते हैं जिसमें आपको ऊपर से प्याज की दरकार होती है तो आप जब भी दुकानदार से मांगेंगे वो आपको नगद 10 का नोट पकड़ा देगा लेकिन प्याज देने से हाथ जोड़ लेगा। यही है महंगाई का आलम और इसे ही कह सकते हैं महंगाई का चरम स्तर। आइए देखते हैं कार्टून और फिर हम कल्पना करते हैं क्या महंगाई हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा है या और कहीं है। और यदि हम किसी दूसरे देश का उदाहरण देकर ये साबित भी करते हैं कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत कम है, जैसा कि हमारे तमाम सारे बुद्धिजीवियों ने किया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि मुझे प्याज का ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती। ये वही बात हुई जो शुतुरमुर्ग खतरा देख कर करता है और इसीलिए हमने बनाया है ये कार्टून। कार्टून नंबर 3। सब गोलमाल है कि इस अंक में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि देश में जो घटनाएं हुई वे काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील थी और इस तरह की घटनाएं थी जिन्होंने इस देश का खून एक बार फिर से उबाल दिया। उन्नाव में दुष्कर्म की पीड़िता भारत की बेटी जो है उसे कुछ इस तरह से जलाया गया कि जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए अंततः मौत जीत गई। कुछ ऐसा ही हुआ था हैदराबाद में जहाँ कुछ दरिंदों ने एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे चला दिया। तमाम सारे देश से भी इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आती रहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस देश में क्या होगा, एक ऐसा देश जहां गाय के नाम पर भीड़ मासूम लोगों को मौत के घाट उतार देती है, वहां इतनी भीड़ के होते हुए भी हमारी बेटियां,
हमारी बालिकाएं दुष्कर्म का शिकार हो जाती है। यदि इन दोनों तस्वीरों को मिला दिया जाए तो शायद आने वाले दिनों में बेटियों को सुरक्षित रहने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा। चौथा कार्टून। देश में लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और बेटियां सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार बेटियों की सुरक्षा के प्रति तो पूरी तरह से नाकामयाब रही है। और ये दावा हम नहीं करते, बल्कि ये दावा आए दिनों जो खबरें आती है वे अपने आप में चीख चीख कर करती हैं। ऐसे में बेटियों ने खबर सुनी कि देश की सरकार जो है वो माननीयों की सुरक्षा में कटौती कर रही है। कटौती यानी कि किसी भी माननीय की सुरक्षा में जितने ज़्यादा पुलिसकर्मी या सेना के जवान लगे होंगे उनमें से दो दो चार चार को कम कर दिया जाएगा। जब ये खबर हमारी बेटियों ने सुनी तो उनके मन में भी एक सवाल आया होगा कि क्यों ना सुरक्षा से ये जो पुलिसकर्मी या ये जो जवान कम किए जा रहे हैं इन्हें हमारी सुरक्षा में लगा दिया जाए। इसी पर पेश है हमारा आज का चौथा कार्टून। पांचवा और अंतिम कार्टून। ये कार्टून हमने समर्पित किया है हैदराबाद की उस डॉक्टर को जिसके साथ दरिंदों ने दुष्कर्म किया और फिर उसे जला दिया। जी हाँ, देश में जब भी इस तरह की घटनाएं होती है कई सारे माता पिता, कई सारे भाई, कई सारे लोग इस बात में सोचने के लिए मजबूर हो जाते होंगे कि आखिर हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी माताएँ सुरक्षित कहाँ होंगी। ऐसे में हैदराबाद में इस दुष्कर्म के बाद एक और घटनाक्रम हुआ। यह घटनाक्रम बेहद ही चौंकाने वाला था, लेकिन देश को हर्षित करने वाला भी था। पुलिस गैंगरेप के उन आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई ताकि उस सीन को फिर से समझा जा सके और जो सबूत छूट रहे हैं या जो सबूत नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें भी इकट्ठा किया जा सके जो उस केस में मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे में चारों दरिंदों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की और इसी धरपकड़ में उन आरोपियों को पकड़ने के दौरान पुलिस पर जो हमला हुआ उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में उन चारों आरोपियों को मार गिराया। जैसे ही देश ने खबर सुनी देश का दिन बन निकला। लोगों ने पुलिस का स्वागत किया, तमाम तरह से पुलिस का सम्मान किया गया और साथ ही लोगों की नज़र में एक उम्मीद भी दिखी। उम्मीद इस बात की कि यदि देश में किसी भी बेटी के साथ इस तरह की हरकत होती है तो आरोपियों को यही सजा दी जानी चाहिए। बाद में इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई, लेकिन तमाम सारी प्रतिक्रियाओं के बाद स्वर एक ही था कि पुलिस ने जो भी किया होगा होशोहवास में किया होगा, सोच समझ कर किया होगा, जांच होगी तो उसमें भी पुलिस निर्दोष ही पाई जाएगी। ऐसे में देश का गौरव हैदराबाद पुलिस ने बढ़ाया और साथ ही साथ देश की दूसरी पुलिस को भी एक हौसला मिला कि कभी भी किसी भी तरह की जब परिस्थिति निर्मित होती है तो पुलिस किस तरह से अपने विवेक से काम ले। उसी पर समर्पित किया है हमने अगला कार्टून, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पुलिस के उस एक्शन के बाद दुष्कर्म के दूसरे आरोपियों की मनस्थिति क्या रही होगी। आप ये कार्टून देखिए। तो ये था सब गोलमाल है का आज का अंक, जिसमें हमने बीते हफ्ते के कुछ मुद्दे शामिल करने की कोशिश की। कोशिश एक ही है कि हम सब मिलकर जिस समाज का सपना देखते हैं, एक ऐसा समाज जहां सभी बेखौफ रह सके, एक ऐसा देश जहां पर महंगाई का स्तर सामान्य हो, हम ये नहीं कहते कि बहुत कम हो लेकिन कम से कम सामान्य हो, एक ऐसा देश जहाँ की अर्थव्यवस्था जितनी कागजों में दिखाई देती है उतनी ही धरातल पर भी रहे, असलियत में भी रहे, जहाँ बेटियाँ सुरक्षित यहाँ वहाँ आ जा सके, घूम फिर सके, जहाँ आलोचना करने पर सरकार अपनी जनता का धन्यवाद अदा करती हुई नजर आए। और फिर यदि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे तो लगता है कि देश के लिए सबसे अच्छे दिन वो होंगे। ये अंक आपको कैसा लगा आप कमेंट्स के जरिए हमें बताइएगा, कोई कमी रह गई हो तो सुझाव भी दीजिएगा। देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।